नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। हल्द्वानी से बड़ी खबर मिली है। यहाँ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर अचानक एक बड़ा धमाका हो गया। घटना बीती देर रात करीब 12:45 बजे की है। जानकारी के अनुसार हीरानगर स्थित भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर अचानक एक बड़ा धमाका हो गया, जिसमें उनके घर के अंदर सभी दरवाजे, अलमारियां और कई सारे अन्य सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस घटना में घर का कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के वक्त भाजपा जिला अध्यक्ष और उनका परिवार घर के अंदर सो रहा था। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। वहीं घटना के बाद तत्काल जिला अध्यक्ष द्वारा पूरे घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद आनन फानन में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल धीरज गब्रियाल खुद देर रात मौके पर पहुंचे और उन्होंने घर के अंदर का स्थलीय निरीक्षण भी किया। डीएम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घर के अंदर धमाका किन कारणों से हुआ इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है, लेकिन यह पूरा धमाका रहस्यमयी है जिसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फॉरेंसिक और BDS की टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना से जुड़े कुछ इनपुट्स इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्मी की टीम भी जांच करने आएगी, जिसके आधार पर ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया जा सकता है। वहीं SP सिटी जगदीश चंद्र ने कहा कि पुलिस की फॉरेंसिक और BDS की टीम ने घर के अंदर सभी जगहों से सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, जिसकी जांच एक्सपर्ट से कराई जाएगी, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल धमाका किस तरह से हुआ इसके तमाम कारण हो सकते हैं, जिससे पुलिस इनकार नहीं कर सकती है। हीरानगर में यहाँ पे हमारे प्रदीप मिश्र हैं, जिलाध्यक्ष हैं BJP के। इनके घर में जो धमाका हुआ है ये काफ़ी रहस्यमयी है। अब ये नहीं कह सकते कि बम का धमाका है, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम हमारी है यहाँ पे, BDS की टीम है, वो सैंपल्स वगैरह ले रही है। जब उसकी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही कह सकते हैं। हो सकता है लाइटिंग भी हो, और जिस हिसाब से यहाँ पर दृश्य है उस हिसाब से आप देखोगे जो जितने भी दरवाजे हैं सब डैमेज हैं, बाकी और चीज़ें सुरक्षित हैं। तो इसलिए जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक इसमें बिजली का अनुमान लगाया जा सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तभी कल हम आर्मी वालों से भी संपर्क करेंगे, आर्मी की टीम आएगी, उनके पास जो भी सुविधाएँ जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसी आधार पर मांगेंगे। रात को 12:45 बजे लगभग प्रदीप जी जो कि जिलाध्यक्ष हैं नैनीताल जनपद में भाजपा के, उनके घर पे एक विस्फोट हुआ है। और उसके बाद जो स्थानीय अधिकारी हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी को सूचित किया गया। मौके पे तमाम सारे लोग हैं। यहाँ पे पुलिस टीम की ओर से जो फॉरेंसिक की टीम है, BDS की टीम है, वो मौका मुआयना कर रही है, सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। अभी तक इन विस्फोट जो हुए हैं लगातार, जिसमें कि अलग अलग कमरों में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस टीम इसको जल्दी से पता करने की कोशिश करेगी। कल कई सारे एक्सपर्टों की भी इसमें मदद ली जाएगी, कारण पता किया जाएगा कि ये किस कारण से विस्फोट हो गए हैं, कैसे हुए हैं और किस कारण से हुए हैं। आकाशीय बिजली का भी मान सकते हैं हम अनुमान एक प्रकार से, अगर अभी किसी भी थ्योरी को हम प्रोपाउंड नहीं करते हैं, इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि छत में भी कुछ वहाँ पे टूट फूट हुई है और वहाँ से GI पाइप नीचे गया है, तो संभवतया इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आकाशीय बिजली ने ये काम किया हो।